क्यों अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी है जिंदगी दार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। सिर्फ के तो जा रही है, मगर इसे तुम्हारा या वापस नहीं लाना। माही बच्चे को घर ले आई है। बच्चे को घर ले आई? हाँ, हमारी औलाद है, हमें अपनी औलाद को अपने पास रखना होगा। माही, मैंने तुमसे तुम्हारा फैसला पूछा, हमारा नहीं। तुम कहना क्या चाह रहे? तुम्हारा फैसला मुझसे अलग होगा। खुदा मेरा भी है। कैसी माँ हो तुम? तुम दोनों माँ बेटियां मेरी समझ में तो हरगिज नहीं आई। आप इस वक्त मेरे घर में खड़ी हैं, इसलिए मैं लिहाज कर रही हूं, वरना वरना क्या कहो, जो कहना है कहो। तमाशा क्या लगा रखा है तुम दोनों माँ बेटियों ने? कोई शर्म लिहाज पास कुछ नहीं है तुम दोनों में? मसला आपके घर का है, आप अपने घर में जाकर उसे हल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस घर में वो लड़की भी रहती है जिसकी तरबियत तुमने की है। आप क्या चाहती? अपनी बेटी से कहो कि उस हिजड़े को वहां वापस छोड़ाए। मेरे घर में उस हिजड़े के साथ हरगिज नहीं रह सकती, क्योंकि वो मेरा घर है। तुम्हारा घर है ना, तो जाओ अपने घर के मसाइल अपने घर में जाकर हल करो। यहां आकर दुहाइयां क्यों दे रही हो? बकवास बंद करो। तमीज से ये ज़बान मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, मेरे घर में शोर मचाने की जरूरत नहीं है। अपने घर जाओ, अपने मामलात को कंट्रोल करो। इससे ज्यादा बात मैं तुमसे करना ही नहीं चाहती। दरवाजा खुला है। से नाराजगी हो गई? नहीं, आपसे मेरी नाराजगी कभी हो सकती है क्या? नाराजगी तो सबकी मुझसे है। इधर आओ, इधर बैठो। भाई, मेरा ख्याल है कि हमें बात करनी चाहिए। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तुम जो कुछ भी करती हो बहुत सोच समझ के करती हो। क्या सही है क्या गलत, तुम सब कुछ देखती हो। इस बार भी जो तुमने फैसला लिया है, तुमने जरूर सोचा होगा। लेकिन एक बात सच सच बताना मुझे, क्या जवाब मिला है तुम्हें इस सोच का? क्या कहा दिल ने, दिमाग ने? क्या गलत है क्या सही है?
मैं जानता था तुम्हारा जवाब यही होगा, क्योंकि इस बार भी तुमने अपने आप से सवाल किए होंगे, लेकिन क्या गलत है क्या सही, तुम्हारे पास जवाब है ही नहीं। और मुझे इसी चीज का डर था कि पहली बार तुम कोई फैसला कंफ्यूज होके नहीं कर लो। नहीं जी, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, उसको वापस लाने से पहले मैंने बहुत बार सोचा क्या सही है क्या गलत है, और आप ये भी ठीक कह रहे हैं कि मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चे को इस तरह से सजा नहीं दे सकती। कोई जवाब नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो तो फिर डर है शायद। किस चीज का डर? एक ऐसे रास्ते पे चलने का डर जिस पे कभी कोई गया ही नहीं, हर मसला खुद ही पार करना है, हर रास्ता खुद ढूंढना है, तपती धूप में भी अकेले चलना है और अंधेरी रातों में भी अकेले ही डरना है। और क्योंकि शायद कभी कोई इस रास्ते पे चला नहीं है तो समझ ही नहीं आ रहा किसकी मंजिल क्या होगी। और अगर रास्ता आगे से बंद हुआ वापिस आना पड़ा तो? ये रास्ता बंद हुआ तो दूसरा ढूंढू, और अगर दूसरा भी बंद हुआ तो इसी भूल भलैया में अपने बच्चे के साथ फिरती रहूंगी कि शायद शायद कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। आपसे कभी झूठ नहीं बोला और आज भी नहीं बोलूंगी, लेकिन वापसी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको फूल लगी हुई है। तुम बदतमीज के साथ साथ इतनी ठीठ भी हो, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अपनी इस मनहूस औलाद में इतनी मगन हो कि तुम ये भूल गई कि जैन जो मेरी औलाद है वो रात भर घर नहीं आया। कुछ एहसास है तुम्हें? मैं गली में खड़ा हुआ कुत्ता नहीं हूं जो भौंके चली जा रही हूं। तुम चाहती क्या हो मागुल? घर तो तुम बसाने वाली हो नहीं, ये तो मैं पहले दिन से जानती थी, लेकिन मेरे बेटे को तुम इस तरह तकलीफ दो इसकी इजाजत मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी।
जो नहुसत तुम इस घर में लेकर आई हो ना, याद रखना ये कभी यहां नहीं रहेगी। क्या हुआ माकुल, बोलती बंद हो गई या आवाज ही नहीं आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि कानों में हिजड़ों की तालियों की आवाजें बस गई हूं? क्योंकि अब इन्हीं तालियों की आवाजें तो तुम्हें सारी जिंदगी सुननी है। बस बहुत बोलिए आपने और बहुत सुन लिया मैंने। तालियों की आवाज तो जरूर आएगी जब मैं इसे इसके मुकाम तक पहुंचा दूंगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उन तालियां बजाने वालों में दो हाथ आपके। एक और बात, मैं यहां आई अपनी मर्जी से थी और जाऊंगी भी अपनी मर्जी से ही। यहां पे रहना मेरा और इसका लीगल राइट है, आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। और एक आखिरी बात, जहां आप अभी खड़ी हैं ना, वो मेरा कमरा है, इसलिए आप यहां से जा सकती हैं। क्या कर रहे हो? वही जो तुम कर रहे हो क्या? इस अकेली छत पे अकेले अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं, जाहिर ऐसा लगता है जैसे एक अंधे कुएं में गिर गया हूं। बाहर निकलना चाहता हूं लेकिन रास्ता ही नहीं मिलता। सैन प्लीज यार, खुदा पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अब क्या रास्ता निकलेगा यार, जो होना था वो तो हो गया। जो होना था वो हो गया, लेकिन जो होगा वो तो तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में रह क्या गया? तुम्हारा फ्यूचर, भाप्स का फ्यूचर, तुम्हारे मासूम बच्चे का फ्यूचर। फ्यूचर? किस फ्यूचर की बात कर रहे हो? वो औलाद मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता। जैन? क्या जैन यार, तुम बताओ जाहिर, अगर खुदा ना ख्वास्ता वो औलाद तुम्हारी होती तो तुम क्या करते? चुप क्यों हो गए अब, बताओ क्या करते ऐसे फ्यूचर का? बच्चे का तो मुझे पता नहीं, कुछ ना कुछ हल निकाल लेता उसका, लेकिन तुम्हारी तरह कभी भी भाप्स को अकेला छोड़ के भागता नहीं है। मैंने अकेला छोड़ा उसे? हाँ, तुमने अकेला छोड़ा यार जैन। जब तुमने अपने लिए फैसला किया तो कोई बात नहीं, जब भाप ने अपनी जिंदगी के लिए सिर्फ एक फैसला किया तो बहुत बड़ा मसला बन गया। जब उन्होंने अपने लिए कुछ सोचा तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई यार। ना इंसाफी है ये, सोचना जरूर। आपने अच्छा किया जो आप यहां चली आई। नहीं, मैं पहले गई थी आपके यहां, पर अर्शी को तो आप जानते ही हैं, फिर आजकल वो अपसेट भी है, इसलिए मैंने सोचा आप ही से बात कर लूं। जी मैं जानता हूं, मैं उसकी तरफ से माजरत करता हूं। नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मकसद बिल्कुल नहीं था। दरअसल मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इस मसले का क्या हल निकालें। हम बड़ों को ही कुछ करना पड़ेगा, और अर्शी अगर इतना गुस्सा करेंगी तो बात बिगड़ सकती है। बुरा मत मनाइएगा सवेरा जी, मेरा ख्याल है कि मसला बिगड़ चुका है। देखिए ये आजकल के बच्चे हैं, हमारी कहां सुनेंगे ये? क्या मतलब? माजरत के साथ, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूं। जैन से बात करता हूं तो लगता कि वो सही कह रहा है, भाई से बात करता हूं तो लगता है कि वो ठीक है। माही ठीक है?
आपको अजीब तो लगेगा सवेरा जी, मगर सच पूछिए, मेरा दिल ये कहता है कि वो सही है। तो इस मसले को यूं ही चलने दे क्या? मेरा तो ख्याल है कि यूं ही चलने दे, हमारे पास उनके लिए कोई सलूशन नहीं है। अब इस बात का फैसला उन दोनों को ही करना होगा, मुझे तो यही लगता है। शायद ठीक कह रहे हैं आप। सैम, ये वक्त है घर आने का, तुम कल रात से गायब। सॉरी माँ, वो जाहिर तो मिल लिया था आपसे, उसे खैरियत बता दी होगी। हाँ बता दी थी कि तुम छत पर भूखे प्यासे बैठे हो। क्यों मुझे सजा दे रहे हो सैम? मैं किसी को क्या सजा दूंगा माँ, सजा तो शायद खुद मुझे मिल रही है। किस बात की ये नहीं जानता मैं। तुम अपना घर छोड़कर दर बदर फिर रहे हो और जिसका कसूर है वो सुकून से है। कसूर तो शायद उसका भी नहीं है, हमारी किस्मत का है। किस्मत का नाम लेके उसका कसूर कवर अप मत करो जैन, मर्द बनो, फैसला सुनाओ उसे। फैसला? कैसा फैसला? कह दो उसे कि बच्चे को वापस छोड़ कर आए, वरना तुम उसको छोड़ दोगे। एक्सक्यूज मी, मैं मागुल से कैसे कह सकता हूँ? क्यों नहीं कह सकते? जो भी है, मैं मागुल को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है, मत छोड़ो उसे, लेकिन उस बच्चे को यहां से गायब करो। यही तो कंफ्यूजन है माँ, वो भी एक माँ है, मैं कैसे उसकी गोद से जबरदस्ती छीन लूँ उसे? लगता है तुम्हारा भी दिमाग खराब होता जा रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता जा रहा है उसे हिजड़े के लिए तुम्हारे दिल में। अपना नहीं तो कम से कम हम सब का सोचो, क्या कहेंगे हम लोगों से। Thank you.
भाई तुम अकेले कुछ नहीं कर सकती हो। पर मैं अकेली नहीं हूं, ये है ना मेरे साथ। और हो सकता है कि एकदम तुम भी मेरे साथ हो। मैं अपने बारे में कोई वादा नहीं कर सकता। खुदा मेरा भी है। आओ भाई, नाश्ता करो। भूख नहीं है आज। थैंक यू सर, मैंने आपसे बात करनी, जरा बाहर आ जाओ प्लीज। जो कहना है सबके सामने कहो, बाहर जाके क्या पट्टियां पढ़ाओगी सर। जैन, आई थिंक तुम्हें बात करनी चाहिए। जी बाप। तुम भी खामोश हो और मैं भी। तुम भी सोच रहे हो और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम शायद अभी भी कंफ्यूज्ड हो। मैंने समझ लिया है। क्या समझ गया? जिसको गोद में उठा के मुझे सुकून आता है, उसे साथ लिटा के तुम्हें घिन आती है। जिसकी मासूमियत देख के मेरा दिल मोम हो जाता है, तुम्हारे अंदर करवाहट बन के उतर रहा है। मुझे लगता था कि उसके हो जाने के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा, पर तुम्हें शायद अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। भाई खुदा के लिए खुल के बात करो, मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है पहले बुझवाने की। तुम सही कह रहे हो, ये पहेली ही तो है जिसका जवाब तुम्हें मिल नहीं पा रहा, लेकिन मुझे मिल गया है। क्या जवाब मिला है मुझे भी बता दो। जवाब बहुत कड़वा है जैन। मैंने तुम्हें बहुत टूट के चाहा है और शायद सारी जिंदगी चाहती रहूंगी, और इसका भी पूरा यकीन है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और शायद सारी जिंदगी करते रहोगे। मेरे और तुम्हारे दरमियान प्यार कम नहीं हुआ है, बस हमारी सोच अलग अलग हो गई है। तो किसकी सोच सही है ये भी तो सोचा होगा ना तुमने। अगर सोच की बात की जाए ना, तो किसी की सोच गलत नहीं है, ना तुम्हारी ना मेरी। हम दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए फैसला लिया है और तुमने सोसाइटी में अपना फेस बचाने के लिए, एंड दैट्स ओके। तुम्हें सोसाइटी से डर नहीं लगता? लगता था, अब बिल्कुल नहीं लगता। मैं एक माँ हूं जैन, मैं कैसे डर सकती हूँ? इसके हो जाने के बाद मेरे पैरों के नीचे जन्नत आ गई है, मैं किसी भी चीज से क्यों डरूं? वही, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकती हो। पर मैं अकेली नहीं हूं, ये है ना मेरे साथ।
और हो सकता है कि एक दिन तुम भी मेरे साथ हो। मैं अपने बारे में कोई वादा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ और मैं तुमसे कोई वादा मांग भी नहीं रही। क्या चाह रही हो तुम? चाहती तो मैं तुम्हारा साथ हूँ, लेकिन मैं जानती हूं कि ये फिलहाल मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारी जिंदगी से चले जाने का फैसला किया है। क्या क्या कहा तुमने? मतलब तुम डिवोर्स दे रही हो मुझे, मुझे छोड़ रही हो इसे? नहीं, तुम्हारी बाकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं डिवोर्स नहीं मांग रही तुमसे। Then what? Zen, please relax. मैं तुमसे डिवोर्स नहीं मांग रही हूँ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, शायद सारी जिंदगी करती रहूंगी, लेकिन मुझे नजर आ रहा है ना कि इसके होते हुए तुम्हें तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए फैसला किया है कि इसको लेके चली जाऊं यहां से। माही क्यों कर रही हो ये सब? और औलाद हो जाएगी हमारी, छोड़ दो इसे। जहां इसका फ्यूचर है वहां पे Zen, stop it. हमने इस बारे में सारी बातें की हुई है, इसकी जगह यही है हमारे दरमियान, और अगर आज नहीं है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक ना एक दिन हो जाए। Zen, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि सोसाइटी का कितना प्रेशर है तुम पे और उससे निकलना आसान नहीं होता। मैं ओवरकम कर चुकी हूँ ना, लेकिन मैं तुमसे तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, ना ही मैं तुम्हें फोर्स कर सकती हूँ। लेकिन Zen, ट्रस्ट मी, सबके सुकून के लिए यही बेहतर है कि मैं इसे यहाँ से लेकर चली जाऊं, और सबसे ज्यादा तुम्हारे सुकून के लिए। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी सोच बदलने का इंतजार हमेशा करूंगी। जो हुआ अच्छा हुआ। आप किस बात का सोग मना रहे हैं? आपको तो मेरी ये बात भी अच्छी नहीं लगी होगी। अर्शी, कभी तो वक्त और मौके की मुनासिबत को देख लिया करें। आपसे बात ना करूं तो किससे करूं? दीवारों से, या फिर किसी दीवार में सर ही दे मारूं?
आप तो मेरी किसी बात में मेरे साथ कभी होते ही नहीं हैं। अर्शी मेरी जान, मेरा ये कहने का मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अभी आप अपना ये रिएक्शन ज़ैन को मत दिखाइएगा, बहुत हर्ट है, हमें उसे संभलने का मौका देना चाहिए। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं हरगिज नहीं चाहती कि मेरे घर में मुसलसल सोग मनाया जाए। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूं, ज़ैन भी नहीं जा रहा, मागुल भी नहीं जा रही, ऑफिस बंद तो नहीं रख सकता ना। ज़ैन तो खैर वापस आ ही जाएगा, आप अपनी फेवरेट माही के बगैर अब काम करने की आदत डालिए। क्यों झूठा मुस्कुरा रही है मामा? साफ पता लग रहा है कि अपने गम को छुपाने के लिए मुस्कुरा रही है। लाए, इसको मुझे दे दे। रोका नहीं उसने? रोका था, पर इसके बिना, और इसके बिना मैं रुकना नहीं चाहती थी। पक्का सोच लिया है? पक्का सोच लिया है मामा, मैंने अपने बच्चे को इज्जत की जिंदगी देनी है। दे पाओगी? मामा इस वक्त मुझे आपसे हिम्मत चाहिए, टूटी हुई उम्मीद नहीं। एक बात अपने जहन में रखना माही, जब मैंने तुम्हारे बाबा को छोड़ा था मुझे तुम्हारे साथ का डर नहीं था, बल्कि तुम हिम्मत थी मेरी। ये बन पाएगा तुम्हारी हिम्मत? फिलहाल तो मुझे इसे हिम्मत देनी है मामा, इसे संभालना है, इस माशरे से बचाना है। ये बहुत मुश्किल है माही, और वापसी का कोई रास्ता नहीं। वापस तो मैं नहीं जाऊंगी, इतना तो आप जानती हैं ना अपनी माही को। रह पाओगी ज़ैन के बगैर? मैं ज़ैन से अलग कब हुई हूँ? हाँ ठीक है, दुनियावी बातों पे हमारी सोच अलग है, लेकिन वो तो मेरी रूह में बसा हुआ है ना। मतलब मैं वही करूंगी जो आपने किया था, मुझे रिवॉर्स नहीं चाहिए। अगर वो देना चाहता है तो उसकी मर्जी है। मामा आप मेरे साथ हैं ना? क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनेगा तो मैं कहीं और रह लूंगी। तुम्हारी मामा तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारे साथ है, और ये डिसीजन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पानी में लगा दो इन्हें, कल याद से पानी बदलना, भूलना मत हरगिज़ भी। लगता है घंटी बजाने की रिवायत खत्म हो गई है। हेलो सनम। सलाम अलैकुम आंटी, असल में गेट गार्ड ने खोल दिया था इसलिए घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ जल्दी में लगती हो, लगता है माही कुछ भूल गई है जो तुम लेने के लिए आई हो। माही भूल गई? तुम नहीं जानती, मैंने तो सुना था माही सांस भी सनम से पूछ कर लेती, तुम्हें नहीं बताया उसने? आंटी आप प्लीज मुझे बता सकती हैं कि उसने मुझसे क्या नहीं पूछा? माही चली गई है यहां से। व्हाट? वो ज़ैन के बगैर रह सकती है, उस नहुसत के बगैर नहीं जिसको उसने पैदा किया है।
तुम्हारी माँ ही अब यहाँ नहीं रहती, और उसके बहाने जो तुम यहाँ पे चक्कर लगाती थी, अब वो ना लगाओ तो बेहतर है। जो चालाकी तुम दोनों मिलके करना चाह रही थी वो अब नहीं हो सकती। I suppose you're smart enough to get it. जिस घर की माँ इतना बुरा सोचे उस घर में सोग नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अब तुम कहाँ उसके पीछे जा रहे हो? For God's sake, माँ, कोई ऐसे कैसे किसी घर आए हुए के साथ? पर सनम बात सुनिए, सनम मेरी बात सुनिए, सनम सनम सनम, I'm really sorry, मैं माँ की तरफ से मैं एक्सक्यूज करता हूँ आपसे। इट्स ओके जाहिर, आपके घर में कौन कौन आपकी माँ की वजह से मुझे सॉरी बोलेगा? और मैंने आपको पहले भी बताया, बुरा तो मुझे तब लगेगा जब मेरा उनसे कोई ताल्लुक हो। सनम सीरियसली आई एम फीलिंग गिल्टी। वो असल माँ को समझ ही नहीं आती कि किसे क्या कहे। मुझे ये नहीं पता कि उनको समझ आती है या नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि उनको दूसरों को तकलीफ देने में बहुत मजा आता है। मैं वो उनसे... आपको शायद बुरा लगे लेकिन जब एक इंसान को दूसरों को दुख देने का मजा लग जाता है ना तो वो मुश्किल ही सुधरता है। अब आप प्लीज मुझे जाने दें, मुझे माही के पास जाना है। हद होती है माही, बंदा इतना बड़ा फैसला ले रहे हो बताए बिना, और मैं वहां बुद्धुओं की तरह पहुंच भी गई और उस सेडियस औरत के हाथों जलील भी हुई। माही मैं तुमसे बात कर रही हूं, कम से कम मुझे बता तो देती कि तुम यहां आ गई हो। तुम्हारा फोन कहाँ है? घर पे भूल गई थी, क्यों? घर जा तो चेक कर लेना। 12 मिस कॉल्स और 36 मैसेजेस होंगे उसमें कम से कम, और ऑफिस फोन किया था तो तुम सेशंस कर रही थी। 3 सेशंस थे मेरे आज। ठंडा हो गया आपका बेजा गुस्सा? गुस्सा मेरा बेजा नहीं था, वो औरत पागल है, इतना बदतमीज पता नहीं कोई कैसे हो सकता है। सनम प्लीज, मैं वहां की कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन माही इतना बड़ा फैसला लेने से पहले बता तो देती, हम डिस्कस कर लेते। डिस्कस करने को कुछ बचा ही नहीं था सनम, वो इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे, इतना जर्फ नहीं था उनमें। माही इतना बड़ा जर्फ तो शायद किसी का भी नहीं है। अपनी औलाद के लिए क्या जर्फ? ये तुम्हारी सोच है माही। जानती हूँ, तभी मैं अपनी सोच लेकर अलग हो गई, और मैं ये भी जानती हूँ कि शायद इस बारे में जो मेरी सोच है वो बहुत सारे लोगों से मुख्तलिफ है, बट आई डोंट केयर। अच्छा छोड़, मेरा बेबी यहाँ मुझे दो। ऐसे क्या देख रही हो? खाला हूँ मैं इसकी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अपने बेबी को गोद में लेने से। माही इसका तो नाम भी रखना है। Oh my God, you're right. सब इतना उल्टा सीधा हो गया और मैंने वाकई इसका कोई नाम ही नहीं सोचा। मैंने तो लड़कों के नामों की लिस्ट और लड़कियों के नामों की लिस्ट निकाली थी, अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रखूं। तुम भी सोचो, मैं भी सोचूंगी, लेकिन नाम तो रखना है ना। बात तुम कितनी बुरी हो बच्चे पकड़ने में, उसकी गर्दन क्या करूं, पहले नहीं हुआ ना मेरा अपना। सीधा करो। खुदा मेरा भी है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरबियत देना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे जॉब कंटिन्यू करने दें। मैनेज कर पाऊंगी? मैं जैन से आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी।
अगर आप मेरे साथ शादी के लिए हाँ कह देंगी तो जिंदगी बन जाएगी मेरी। आपको ये बातें बहुत आसान लगती हैं ना? एक बार तो इस घर में आई थी, अब दोबारा नहीं। नहीं बांट सकेगी तू इसको, दे दे हमें।